राजभर के बढ़ते कद से संजय निषाद हताश। संजय निषाद अपनी राजनीति को नया रास्ता देने के प्रयास में लगे। संजय निषाद ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, सीट को लेकर रखी डिमांड। क्या नाराज हैं योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद क्या कहा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं। पार्टियां चरणों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। बीजेपी ने यूपी की करीब 51 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें संत कबीर नगर सीट से बीजेपी ने प्रवीण निषाद को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी कैंडिडेट प्रवीण निषाद यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे हैं। वहीं संजय निषाद ने लोकसभा सीटों को लेकर 13 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बेहद अहम मुलाकात की। तो ऐसे में सवाल है कि संजय निषाद ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात क्यों की, जबकि बीजेपी ने उन्हें सीट अलॉट कर दी है। अब जानिए संजय निषाद का दर्द आखिर क्या है, जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास जाकर छलका रहे हैं। संजय निषाद के दर्द की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। दरअसल बीजेपी ने सहयोगियों में आरएलडी और अपना दल को 2-2 सीटें और सुभाषपा को 1 सीट दी है। संजय निषाद को सीट अलॉट की गई, लेकिन बीजेपी ने उनके बेटे प्रवीण निषाद को अपने सिंबल पर सीट दी। अब संजय निषाद तो ये चाहते हैं कि उनका बेटा बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन इसके अलावा भी ख्वाहिश है, एक और लोकसभा सीट दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की मांग की है। संजय निषाद का कहना है कि अगर रालोद, अपना दल, सुभाषपा को उनका सिंबल दिया गया तो उन्हें भी मिलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं तो उनके कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। तो साफ है बीजेपी ने जो निषाद पार्टी को उनके सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कोई सीट नहीं दी। अब ये बात संजय निषाद के दिलो दिमाग में छा गई, इसीलिए उनकी चाहत है कम से कम 1 सीट बीजेपी संजय निषाद को निषाद पार्टी के सिंबल पर उम्मीदवार को उतारने का मौका दे। निषाद पार्टी ने सुल्तानपुर, भदोई या कोई अन्य सीट देने की बीजेपी से मांग की है, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं हुई। 13 मार्च को जब संजय निषाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले तो वजह यही रही। अब देखिए संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर सीट से बीजेपी सांसद हैं। इस बार भी बीजेपी ने प्रवीण निषाद को बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर टिकट दिया। संजय निषाद के छोटे बेटे श्रवण निषाद भी बीजेपी के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बने थे, लेकिन दिक्कत जिससे संजय निषाद की पार्टी निषाद का अस्तित्व निखरेगा, वो निखरने का मौका बीजेपी की ओर से नहीं दिया गया। अब संजय निषाद प्रवीण को बीजेपी कोटे से टिकट दिए जाने के बाद 1 सीट निषाद पार्टी के सिंबल पर चाहते हैं। निषाद का सिंबल भोजन भरी थाली है, जबकि बीजेपी ने अपने सहयोगियों में आरएलडी और अपना दल को 2-2 सीटें और सुभाषपा को 1 सीट दी है। निषाद पार्टी को उनके सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कोई सीट नहीं दी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि वो हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हम लोग मर्यादित लोग हैं, मर्यादा में रहकर हमने पार्टी को खड़ा किया है। हम अपनी पार्टी की सीटों पर चर्चा करने आए थे कि निषाद पार्टी को भी सिंबल मिलना चाहिए, जिस तरीके से अन्य लोगों को मिला। अब संजय निषाद का यह कहना एक तरह से सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना है, क्योंकि ओपी राजभरी अक्सर अपने बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरते रहे। इसके लिए संजय निषाद उन्हें नसीहत भी देते रहे, लेकिन अब अचानक से संजय निषाद को दिख रहा है जिस ओपी राजभर को वो एनडीए में कमतर आंक रहे थे, उसे तो बीजेपी ने सिर आंखों पर बैठा लिया, उनसे ज्यादा तवज्जो दी। फिर चाहे मंत्री पद हो, एमएलसी पद हो या फिर एक लोकसभा सीट चुनाव लड़ने के लिए देना, ओपी राजभर हर मामले में संजय निषाद से आगे निकल गए। कहीं ना कहीं यही बात संजय निषाद को खटक रही। ओपी राजभर जहां राजभर समाज को ये मैसेज देने में कामयाब हो गए, उनकी पार्टी सुभाषपा सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को तवज्जो नहीं देती, परिवार से बाहर लोगों को मजबूती देती है, जबकि संजय निषाद राजभर की तरह निषाद समाज को बताने में अब तक कामयाब नहीं हुए। बहरहाल दिल्ली से खाली हाथ लौटने के बाद नाराज संजय निषाद ने कहा कि हमारा सम्मान के साथ अलायंस है, नेचुरल अलायंस है। इसके साथ ही कहा कि हमारे समाज का आरक्षण का मुद्दा था, समाज की सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस तरह राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को समायोजन किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। यूपी में कैसे जीत होगी इस पर भी चर्चा हुई।